राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गरियाबंद जिले के 78,991 किसानों को 54 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक अमितेश शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू ने सरकार की इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए वरदान साबित होने की बात कही। इस अवसर पर विधायक अमितेश शुक्ला ने अपने भाषण में कहा, देश में ढोंगी और पाखंडियों की संख्या काफी बढ़ गई है। गौ माता के नाम पर दुरुपयोग कर उन्हें यूं ही छोड़ दिया है, जबकि हमारे भूपेश सरकार गौ माता के सच्चे भक्त के रूप में उनके गोबर तक को खरीदवाने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पूरी तरह से खरीद लिया गया है और जो चाह रही है वही प्रचार प्रसार कर रही है और जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो गरीबों के किसानों की योजना है, क्योंकि जो राजीव गांधी न्याय योजना है, इसमें मुख्य रूप से जो किसानों को जो केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से भीतरघात करा जा रहा था, जिस तरीके से उसको हम लोग का जो जबान थी, जो राहुल जी की जबान थी, जो हमारे हम लोग के भूपेश भाई की जबान थी कि 2500 समर्थन मूल्य देंगे, उसको न दे पाए, उसकी एक साजिश कुछ साजिश थी, उसका ये एक सुखद परिणाम जो है राजीव गांधी योजना है, जिसके तहत जो है आज जो है करोड़ों रुपए दिया गया और जो एक 2500 समर्थन मूल्य की जो हमारी जबान थी और जो बोनस देने का था उसको हमने पूरा करने की जो पहल और जो कर रहे हैं और जो उसकी प्रक्रिया उसको कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही राजीव गांधी न्याय योजना महत्वपूर्ण है। इसमें गाय का जो हमारी गोधन न्याय योजना जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो ये हमारे पूरे देश में कहना चाहिए पहला राज्य है जहाँ पर कि गोबर का बिक्री हो रही है और ये गौ माता की जो सेवा करने का जो हम लोगों की जो कहना चाहिए जो स्वाभिमान की रक्षा करी कांग्रेस सरकार ने भूपेश भाई और राहुल जी के जो गोधन न्याय योजना उसमें गौ माता की रक्षा करी गई और उनको जो है सम्मान मिला।